नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तुषार शाह। आज है 4 जनवरी 2022। कई अखबारों में मोलनुपिराविर के बारे में फ्रंट पेज पे आर्टिकल्स आने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोलनुपिराविर एक नई गेम चेंजर दवाई है कोविड-19 के लिए। बिल्कुल गलत है। मोलनुपिराविर 12-15 कंपनियां पुश करेंगे, मार्केट में 1500-2500 रुपए में बेची जाएगी। केमिस्ट भी आपको मोलनुपिराविर दे देंगे। डॉक्टर तो करें ना करें, केमिस्ट बेचने लगेंगे। आपके साथी कहेंगे मोलनुपिराविर ले लो, कोविड हुआ है। प्लीज ना ले। मोलनुपिराविर की जो साइंटिफिक रिसर्च हुई थी वो डेल्टा के टाइम हुई थी और उन्हीं मरीजों को पर की गई थी जो अनवैक्सीनेटेड थे, यानी कि बिना वैक्सीन लिए जिनको डेल्टा का इन्फेक्शन होता है, उसमें मोलनुपिराविर 1/3 लोगों को फायदा करती है, 30% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। ये डेल्टा की बात है। आज ओमिक्रॉन है। आज लगभग 90% से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। ओमिक्रॉन में ना तो मोलनुपिराविर का स्टडी किया गया है, ना तो ओमिक्रॉन में लोग ज्यादा भर्ती होते हैं। तो ओमिक्रॉन में मोलनुपिराविर गलत दवा है। और ये कोई आपको न्यूज़पेपर तो बताएंगे नहीं, तो कृपया करके अगर कोई आपको मोलनुपिराविर देता है, कोई दवा खाने वाला भी दवा बेचने वाला भी दे देता है कि भाई 1500 की गोली है, क्या फर्क पड़ता है, तो आप दो बार सोचें और दो बार सोचने के बाद मना कर दें मोलनुपिराविर को। बहुत बहुत शुक्रिया।